बिग बॉस ओटीटी के हाल ही के एपिसोड में राकेश बापट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वह बुरी तरह टूट गए और अपने पापा को याद कर रोने लगे। पंचायत टास्क के दौरान सही तरह से फैसला ना ले पाने के कारण उनका प्रतीक सहजपाल के साथ झगड़ा हो गया। प्रतीक ने राकेश को स्पाइनलेस कह दिया, जो उन्हें बुरी तरह चुभा, और वह बाद में यह कहकर रोने लगे कि वह एक फौजी के बेटे हैं और कभी भी गलत चीज़ के लिए नहीं लड़ेंगे। राकेश को यूं टूटा हुआ और रोता हुआ देखकर उनकी एक्स वाइफ रिधि डोगरा बुरी तरह भड़क गई। राकेश के इस रोने वाले वीडियो को एक्टर के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया। इस वीडियो को देख रिधि खुद पर काबू ना रख सकी और कमेंट बॉक्स में लिखा, अच्छाई और मानवता के आधार पर ही एक विनर चुना जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस दुनिया में चिल्लाकर बोलने, शब्दों को ट्विस्ट करके बोलने और लोगों को बोलने ना देने को एंटरटेनमेंट माना जाता है, लेकिन हम में से कुछ हैं जो मानवता के पक्ष में हैं और यही मायने रखता है।